ये कितना सारा सामान रिसीव किया है। एक्चुअली आज नहीं, मैंने कई दिन पहले रिसीव किया था, बट वीडियो में आज शूट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ये मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा सा। तो एक ऑर्डर का बॉक्स ये है और एक ऑर्डर बॉक्स ये है मेरे, तो दोनों बॉक्स हैं, मतलब अलग अलग मैंने ऑर्डर किए थे। बट इसमें भी आप देखोगे मैंने 10 पीस, मतलब 10 आइटम रिसीव किए हैं और इसमें भी 10 हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ भी 10 आइटम रिसीव है। मैं थोड़ा सा पास में दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये बॉक्स में हटा के आपको दिखाती हूँ ये वाला, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये इतना सारा सामान मैंने रिसीव किया है स्मिटन से, जस्ट एंड जस्ट 199 ईच बॉक्स, 199 दिस एंड 199 दिस ऑल्सो। तो चलिए जल्दी से मैं वीडियो स्टार्ट करके बताती हूँ कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइज मैं पहले आपको ये वाला बॉक्स दिखा देती हूँ, और ये मैंने 199 स्मिटन से परचेज़ किया है। जिनको स्मिटन नहीं पता कि स्मिटन क्या है और कैसे स्मिटन से शॉपिंग करते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि ये कैसी ऐप है और उससे आप किस तरह से आप प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो। सिर्फ सैम्पल प्रोडक्ट्स, ट्रायल प्रोडक्ट्स, नॉट फुल साइज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ, फुल साइज़ प्रोडक्ट्स भी उसमें हैं, बट वो सेक्शन अलग है शॉपिंग वाला एंड ट्रायल सेक्शन अलग है स्मिटन पे। तो चलो बिना किसी देरी के हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट थे, तो मैं आपको भी हाथ से भी निकाल के दिखा देती हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, ये 9 और ये 10। अब चलो इस बॉक्स का कोई काम नहीं, इसको फेंक देते हैं साइड से। अभी हमने ये प्रोडक्ट्स निकाल लिए हैं, वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, मैं फटाफट फटाफट आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास है एक ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल, और ये नॉट फॉर सेल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब बाहर आप इसको सेल नहीं कर सकता कोई, सिर्फ ये स्मिटन वगैरह पे मिलते हैं। और ये 30 ग्राम्स का है, काफ़ी ठीक है। इनकी ना पीएच लेवल भी टेस्ट करेंगे अलग अलग वीडियोस में, फ़िलहाल मैं आज आपको यही दिखाती हूँ कि ये मैंने एक ट्रायल पॉइंट का लिया था। एक्चुअली इसमें मैंने 6 प्रोडक्ट्स वो है जो ट्रायल पॉइंट के लिए थे, एक ये 0 ट्रायल पॉइंट पे, मतलब एक तरह से फ्री प्रोडक्ट चल रहा था तो ये भी मैंने ऐड कर लिया। उसके अलावा 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसमें मैंने फ्री बाइज, उसमें फर्स्ट सेकंड एंड थ्री मतलब ऑप्शन दिए थे। तीनों चीज़ों तीनों सेक्शन में हम तीनों फ्री वाइज अलग अलग ले सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो 3 मैंने ऐसे ऐड किए थे। तो सारे ही मतलब टोटल 10 हो गए, 6 आपको जो मिलते हैं वो, उसके अलावा 4th पे ये, तो 7, और 3 अलग से स्मिटन पे ऑफर चल रहा था उस दिन। कभी कभी ये कॉम्बो ट्रायल पैक में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फ्री में देते हैं, फ्री गिफ्ट ऐड हो जाता है, या फिर उसके अलावा ऑफ़र चलता है तो मतलब अलग अलग फ्री वाइज दे देते हैं। हर 3 कैटेगरी दी थी और तीनों में से मैंने एक एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता, तो टोटल मेरे पास 10 हो गए। तो एक मैंने आपको ये दिखा दिया है, ये बिल्कुल 0 ट्रायल पॉइंट पे चल रहा था, बोरो प्लस का सॉफ्ट आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम, लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो अभी मैंने खोला नहीं है, इस पे वैसे MRP 45 है, 80 ml है इसकी क्वांटिटी। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाओ का एप्पल साइडर विनीगर फेस वॉश, और ये नो पैराबेन सल्फेट, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ठीक था। और फ्री सैंपल इसमें आप देख सकते हैं कि 99, कुछ फ्री सैंपल ऐसे होते हैं जिसमें नॉट फॉर सेल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो MRP बेस्ड भी होते हैं। तो ये 15 ml का है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये मिस्टिकोल का फेस वॉश है, एक्ने वॉश, मतलब एक्ने के लिए, ये बायो नीम टी ट्री एलोवेरा, ये 70 ml, तो बट मुझे 70 ml नहीं लग रहा, आई डोंट नो, पता नहीं कितना है, जो भी है, बट एक ये है। नेक्स्ट ये है मेरे पास प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं हमेशा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ही प्रेफर करती हूँ,
और हमेशा हमें CTM तो अपने स्किन के लिए फॉलो करना ही चाहिए, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी टाइप की स्किन हो आपकी, हो हमेशा क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरे बहुत कम मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, बहुत लिटिल क्वांटिटी में, और वो भी ऑयल फ्री। तो इससे पहले मैंने ममाअर्थ का भी यूज़ करा, मुझे वो भी अच्छा लगा। प्लम का मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, तो इसका pH टेस्ट करेंगे और इसका रिव्यू भी देंगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आरण्य का स्किन केयर नेचुरली पॉल्यूशन गार्ड। ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, तो आई थिंक आपको इतना क्लियरली पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, तो मैं भी इसको ऐसे ही खुद से रीड कर देती हूँ। आरण्य का स्किन केयर नेचुरली पॉल्यूशन गार्ड फेस वॉश टी ट्री प्लस मोरिंगा, तो रिमूव इम्प्योरिटीज एंड गार्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन। तो ये नॉर्मल है, सल्फेट फ्री 25 ml क्वांटिटी है। तो ज़्यादातर मैं फेस वॉश और मॉइस्चराइजर वगैरह प्रेफर करती हूँ, एलोवेरा जेल वगैरह प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। जब हम यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स का सैंपल लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये सोल फ्लावर का ब्राइटनिंग ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइज़र। ये भी मॉइस्चराइज़र है, टी ट्री एंड एलोवेरा। तो आपने देख लिया कितने सारे मेरे पास एलोवेरा एंड फेस वॉश हो गए, कि ऐसी मेरी ना जब स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव भी है, ऑयली भी है, एक्ने प्रोन भी है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, मिक्सअप है मेरी स्किन का हाल। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर फेस वॉश और मॉइस्चराइजर वगैरह प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो हमें कैसे भी यूज़ करने ही होते हैं, मतलब कुछ सूट नहीं करते तब भी हमें अलग अलग ट्राई करना पड़ता है। और मैं एक फेस वॉश मतलब कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करती हूँ, फ्रिक्वेंटली थोड़े थोड़े टाइम में चेंज करती रहती हूँ। इसके बाद है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, ये भी सल्फेट फ्री है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ऑर्गेनिक 6-in-1 फेस वॉश, ये भी सल्फेट फ्री है। ये ऑयल कंट्रोल के लिए था, और वो पहले वाला तो उस पर कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट स्किन लाइटनिंग फेस वॉश विद ऑर्गेनिक सैफ्रन एंड सैंडलवुड, ये भी सल्फेट फ्री है। तो ये भी 50 ग्राम का है, एक्चुअली ये तीनों 50 ग्राम के ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के मेरे प्रोडक्ट्स देखे थे, तो ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी फिर भी ट्रायल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो एक बॉक्स मेरा ये हो चुका है। नाउ अब बारी है इस बॉक्स की, तो इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, ये भी मैं फटाफट आपको दिखा के देती हूँ। तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक ये 6, 7, 8, 9, दिस इज़ लास्ट 10। तो चलो ये हाथ में इसी से शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। तो ये आयुर्वेदा का है ऑयल कंट्रोल मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र क्रीम, और ये 30 ग्राम का है। तो इसको हम यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसा होता है। एक एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक मैंने ये डर्माको का फेस सीरम लिया था, क्योंकि मैंने अभी जैसे बार बार आपको बता रही हूँ कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना था कि अगर ये मेरी स्किन पर सूट हो गया हो वाकई में, मेरे जो एक्ने मार्क्स हैं अगर वो सीरियसली मैं चले गए, मतलब हो गए वैनिश, तो फिर तो क्या कह रहे, ये दिस विल बी माय वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। एक ये है, एक ही मैंने टोनर मंगाया था, क्योंकि फर्स्ट वाले बॉक्स में मैंने टोनर ऐड नहीं किया था, तो इसमें मैंने एक्ने क्लियर फेस टोनर, ये टी ट्री का द लव को इसका ब्रांड है, और इसका बॉटल भी बड़ा अच्छा है, पंप वाला इतना साइज बॉटल है, मुझे ये अच्छा लगा। ये उसमें भी जब जीरो ट्रायल पॉइंट पे मिल रहा था, तो मैंने इसमें भी ऐड कर लिया कि चलो फैमिली मेम्बर के काम आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने एक लिया था, ये फेस जेल है बाय बाय एक्ने, तो ये भी एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए, द लव को कही, ये मतलब उसी ब्रांड का सेम का अभी जो मैंने दिखाया आपको फेस टोनर उसी का ये है। तो काफ़ी छोटी क्वांटिटी है इसकी, बट देखते हैं ट्राई करके कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स स्किन पे बहुत अच्छे से मुझे सूट करते हैं। ये उसमें मैंने मंगाया था, उसमें भी ये गलती से इसमें भी ऐड हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि ये मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ पहले बॉक्स में, बट कोई बात नहीं। एक ये है, ये फेस वॉश, तो ये भी आप देख सकते हो मेरे पास दो हो गए, बट कोई नहीं, फिर भी अगर स्किन पे सूट करता है तो फिर बाद में काम आ ही जाएगा। उसके बाद एक ये मेरे पास है पेलग्रीम का, ये पीलिंग सॉल्यूशन है, सिर्फ
मतलब स्किन पे इसको अप्लाई करना है। वो जब भी मैं इसका यूज़ करूँगी तो उसके बाद एक पर्टिकुलर वीडियो, एक सेपरेट वीडियो इस प्रोडक्ट पे आपको दे दूँगी। ये मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे और मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद एक ये है आई लिफ्ट क्रीम, आई थिंक हाँ ये बेला वीटा ऑर्गेनिक की है आई लिफ्ट अंडर आई जेल क्रीम। तो मेरे थोड़े डार्क सर्कल भी हैं तो इसलिए मैंने अभी देखा किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह नहीं खोली है, इसको खोलते हैं। तो मुझे ना छोटे छोटे आइटम्स की पैकेजिंग बहुत बहुत प्यारी लगती है, उसका भी एलोवेरा जेल जैसे ही कुछ टेक्सचर है उसमें साथ में। चलो इसको तो बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, बहुत कम क्वांटिटी में है बट इसका अगर आई जेल से ये डार्क सर्कल चले जाते हैं तो सीरियसली मैं बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सब मैं पहले काफ़ी प्रोडक्ट्स purple.com वगैरह से ले चुकी हूँ, मैंने फुल साइज़ प्रोडक्ट ले लिए थे। बड़े ना यूट्यूब वगैरह पे लोगों के कमेंट और इतने अच्छे कॉन्फिडेंटली वो बोलते हैं कि ये एक नेप्रोन और स्किन के लिए ये फलाना फलाना, तो मैंने इस वे उस मतलब उस फील्ड में आके ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह ले लिए थे, गुड वाइब्स वगैरह के और बायोटिक वगैरह के। तो उसमें से कुछ मुझे सूट करे कुछ नहीं भी करे तो तब से मुझे डर लगता है कि भाई पहले सैंपल प्रोडक्ट ले लो और उसके बाद स्किन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो पैसा भी बर्बाद नहीं होता। तो ये डर्माको का फेस वॉश है, ये सैलिसिलिक एसिड का है 1%। इसमें ये भी एक्ने वगैरह के लिए ही मतलब अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो इससे अच्छी क्या बात है क्योंकि मेरे एक्ने कैसे भी रुकने चाहिए बस। तो आप देख सकते हो और 30 ml क्वांटिटी के, तो क्वांटिटी भी काफ़ी सही है। तो गाइस मैं फिर से दोनों बॉक्स साथ में रख के आपको दिखा देती हूँ कि आपने मेरे दोनों बॉक्स के प्रोडक्ट्स देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। हाँ मैं अपना इस मिटन का रेफरल कोड भी दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग अगर उससे शॉपिंग करते हो, फर्स्ट टाइम आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।